नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानस और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस पार्ट टू की। ये पूरा का पूरा वीडियो हिंदी या उर्दू में होने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने अभी तक सीख रखे हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस के विषय में, उन सबको अप्लाई करने का आज समय आ गया है। तो आज कुछ 5 से 6 रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रहेंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके। इसलिए आज के सेशन को आप एप्लीकेशन ऑफ लाइंस का सेशन भी बोल सकते हैं। अब अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो आपको मैं कुछ बातें और बता दूं। इस वीडियो को देखने से पहले आपको देखना है पार्ट 1, जो कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस का बेसिक्स थे। उसमें हम लोग लाइन इंक्लाइन टू वन प्लेन के सवाल देखें, हमने लाइन इंक्लाइन टू HP एज वेल एज VP उसके भी प्रश्न देखे, लगभग 4 और 6, कुल मिला के 10 प्रश्न हम लोग उस पर्टिकुलर वीडियो में देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम लगभग 6 प्रश्नों को देखने वाले हैं, सारे के सारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं और बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो में। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या है आज के सेशन में। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। खैर, पॉज करने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ क्या है। तो यहाँ पे हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट है जिसको 1.2 मीटर की ऊंचाई पर, जमीन के सापेक्ष 1.2 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है। बिल्कुल हॉल के केंद्र में 8 बाय 6 बाय 4 का हॉल है। तो दोस्तों ये जो दूरी है ना, ये है 8 मीटर, ऐसा ये जो है चौड़ाई है ये 6 मीटर है और ये जो ऊंचाई है ये है 4 मीटर, और ये जो है फ्लोर है, ठीक है, हॉल का फ्लोर है बिल्कुल इसके केंद्र में। मतलब यहाँ से दूरी होगी 4 मीटर और यहाँ से दूरी होगी 3 मीटर। बिल्कुल केंद्र में क्या रखा हुआ है? एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जमीन से कितने ऊंचाई पर रखा गया है? 1.2 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है। तो ये तो मैंने हॉल का केंद्र को लोकेट कर लिया, यहां से 1.2 मीटर ऊपर यहां पे, तकरीबन यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट को मैं नाम देता हूं ओ। जब इसका प्रोजेक्शन हम बनाएंगे तो इसका जब भी फ्रंट व्यू बनाएंगे उसको बोलेंगे ओ डैश, और जब इसका टॉप व्यू बनेगा वो कहलाएगा ओ। अब इसका किसी ना किसी एक बिंदु से दूरी मेरे को ज्ञात करना है। जरा पढ़ते हैं आगे। डिटरमाइन ग्राफिकली, ग्राफिकली मतलब ड्राइंग के जरिए, ना कि त्रिकोणमिति या फिर मैथमेटिक्स के थ्रू, ध्यान रखना है आपको। डिटरमाइन ग्राफिकली इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर्स बिटवीन द रूफ एंड टू एडजेसेंट वॉल्स। तो दोस्तों हम लोगों ने जो कॉर्नर कंसिडर किया है वो ये वाला है। आप चाहें तो इन चारों में से, टॉप में से, रूफ में 4 कॉर्नर हैं उनमें से कोई भी एक कॉर्नर कंसिडर कर लीजिए, और मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट जो ओ जो है उस कॉर्नर से जुड़ा हुआ है एक लाइन के थ्रू या एक पतली सी तार के थ्रू। उस तार की असल लंबाई हमें ज्ञात करके बतानी है। अब ये किस प्रकार से संभव है यह देखने के लिए हमें इस पर्टिकुलर केस के प्रोजेक्शन बनाने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं ये कैसे संभव है। सबसे पहली चीज, यहाँ पे जितने भी डायमेंशन दिए हुए हैं ये सारे के सारे किस में दिए हुए हैं? मीटर में। तो हमको 8 मीटर की लाइन खींचना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक स्केल का उपयोग करना पड़ेगा, रिड्यूसिंग स्केल का उपयोग करना पड़ेगा। तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए, अब आप मान लीजिए कि भाई 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो ये जो डायमेंशन हो जाएंगे रूम के, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर। मतलब ड्राइंग शीट में 8 बाय 6 बाय 4 सेंटीमीटर में वो फिट हो जाएगा। सबसे पहले तो इस रूम के फ्रंट व्यू हम बनाएंगे और फिर इस रूम का टॉप व्यू बनाएंगे कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक, रूम का फ्रंट व्यू और यहाँ पे मैं रूम का टॉप व्यू बना लेता हूँ। ये हो गया 8, बिल्कुल सही, और ये हो गया 4, बिल्कुल सही। ये 8 का है और ये 4 का है। उसी प्रकार से रूम का टॉप व्यू मैंने यहीं पे बना लिया, बिल्कुल इससे चिपका के मैंने बना लिया। आप चाहो तो इस टॉप व्यू को थोड़ा सा नीचे बना सकते हैं, मतलब फ्रंट और टॉप व्यू के बीच में थोड़ा सा गैप भी आप चाहें तो मेंटेन कर सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार से हो सकता है। बिना एक्स वाई लाइन खींचे भी आप प्रश्न को बना सकते हैं। ये फ्रंट व्यू आप बना सकते हैं और कुछ नीचे आप चाहें तो यहाँ पर टॉप व्यू भी बना सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, मैंने बिल्कुल उसको एक्स वाई लाइन से चिपका के बनाया है। आगे एक प्रश्न मैंने ऐसा बनाया है जहां पे मैंने कुछ डिस्टेंस पे दोनों को रखा है, फ्रंट और टॉप व्यू को। वो ऑरेंज वाला प्रॉब्लम है, बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम, तो आप उसमें देखेंगे। अभी के लिए इसे मिटा देते हैं। ओके, तो यहां पे जो ऊपर से जो डायमेंशन दिखाई देगा वो है ये वाला। ये वाला डायमेंशन कितना है? 6 मीटर। तो ये कितना है के बराबर है? 6 के बराबर। ये हो गया फिनिश। तो मैंने रूम का फ्रंट व्यू बना लिया, मैंने रूम का टॉप व्यू बना लिया। अब उस रूम के अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट का मैं बनाऊंगा फ्रंट व्यू और मैं बनाऊंगा उसका टॉप व्यू। अब दोस्तों ध्यान से देखें, ये ऑब्जेक्ट का जो सेंट ऊपर से जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा ऑब्जेक्ट बिल्कुल केंद्र में है,
कहने का मतलब अगर यहाँ से एक डायगोनल बनाएंगे आप ऐसा करके और यहाँ से एक डायगोनल बनाएंगे तो दोनों डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ऊपर से देखने पर ऐसा प्रतीत होगा कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल यहाँ पे है, हालांकि वो कुछ ऊंचाई पर है और वो ऊंचाई सिर्फ सामने से नजर आती है ना कि ऊपर से। तो ऑब्जेक्ट का जो टॉप व्यू है ना हमको यहाँ पे नजर आएगा। मैं बना देता हूँ इसको, ये है ओ। ठीक, अब यही ऑब्जेक्ट सामने से कैसे दिखता है फ्रंट से, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको सामने जाना है, यहां पहुंच गए हम। ठीक है, अब ये ऊंचाई कितनी है इसी लाइन में कहीं ना कहीं अलाउ, ये ऊंचाई हमको दे रखी है 1.2 मीटर, जो कि ड्राइंग शीट में स्केल से कन्वर्जन करने के बाद हो जाएगी 1.2 सेंटीमीटर। तो यहां से कितना ऊपर जाना है, 1.2 सेंटीमीटर, ये मैं यहां पर बना देता हूं। ओके, अब देखें ओके, ये मैं सी और सी डैश क्या लिखा हूं, इसको इस बात को समझने का कोशिश करते हैं। ये जो है वो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को आप नाम दे दीजिए सी। जब आप इसको सामने से देखेंगे आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये कॉर्नर कहाँ है, ऊपर में दाएं तरफ है, ऊपर में दाएं तरफ ऐसा प्रतीत होगा कि ये कॉर्नर बिल्कुल यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे तो फ्रंट व्यू में कॉर्नर मैंने यहाँ पे बना दिया है, ये कहलाएगा सी डैश। अब बिल्कुल यही कॉर्नर ऊपर से कहाँ दिखाई देगा, तो ये देखिए ये जो रेक्टेंगल बना है, इस रेक्टेंगल में सबसे पीछे की तरफ राइट हैंड साइड में, इस रेक्टेंगल में टॉप व्यू में सबसे पीछे की तरफ दाएं तरफ ये हमको नजर आ गया, उस कॉर्नर का टॉप व्यू। तो दोस्तों हमें पता लगाना है कि असल दूरी ओ और सी के बीच में कितनी है। तो दूरी पता लगाने के लिए दोनों पॉइंट्स को मैं फ्रंट में भी और टॉप व्यू में भी एक लाइन के थ्रू जोड़ देता हूं, जोड़ने पर नजारा कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहां पे बात ऐसी है कि आपको एक लाइन का फ्रंट व्यू पता है, आपको एक लाइन का टॉप व्यू पता है, अब आपको बताना है कि लाइन की असल लंबाई ट्रू लेंथ कितनी है। ये पता लगाने के लिए एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखें और काम बहुत आसान हो जाएगा, आप समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये लाइन जो है ये अभी HP से पैरेलल है और VP से भी पैरेलल है। ठीक है, मान के चलिए आप इसको सामने से देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं। ठीक, अगर मैं इसको ऐसा रखूं तो अब आप क्या बोले हैं कि आपको ट्रू लेंथ दिखाई दे रहा है? नहीं, तो आपको ट्रू लेंथ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर मैं उसको वापस से ऐसा करके रख दूं, वापस से VP से पैरेलल कर दूं, तब आपको ट्रू लेंथ दिख जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी लाइन का अगर आपको ट्रू लेंथ देखना है, ठीक है, सामने से, तो उसके टॉप व्यू को मेरे को कैसा करना पड़ेगा, एक्स वाई के सापेक्ष पैरेलल करना पड़ेगा। फिर से याद रखें, मैं फिर से बताता हूं, ट्रू लेंथ पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेक टॉप व्यू पैरेलल टू एक्स वाई। ओके, कहां से देखते हुए, व्यूइंग फ्रॉम फ्रंट, सामने से देखते हुए। इसको जब इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक और प्रक्रिया ये है कि भाई आप फ्रंट व्यू को एक्स वाई के समानांतर बनाएं, पैरेलल बनाएं, तब अब आपको कहां से देखना है, ऊपर से देखना है। तो दोनों चीजें आप अच्छे से समझ जाएंगे। आप इतना याद रखें, ये अभी जो है वो बिल्कुल पैरेलल है किसके, VP से और HP से। अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं, अब आपको ट्रू लेंथ नहीं दिखाई देगा। ट्रू लेंथ देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको VP से पैरेलल बनाना पड़ेगा या फिर इसके टॉप व्यू को एक्स वाई के पैरेलल बनाना पड़ेगा, तभी आप इसको सामने से इसके ट्रू लेंथ को देख पाएंगे। तो दोस्तों अब जो मैं बताने वाला हूं, जो लॉजिक बताने वाला हूं, दो लॉजिक, उसको अच्छे से अपने दिमाग के अंदर ड्रिल कर लें। जब कभी भी लाइन की आपको फ्रंट और टॉप व्यूज दे रखी हो और आपको पता लगाना है कि उस लाइन का ट्रू लेंथ कितना है, तो आप या तो फ्रंट व्यू को घुमाकर एक्स वाई के पैरेलल कर दीजिए, तो टॉप व्यू में उसका ट्रू लेंथ दिख जाएगा। बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर लें। मैं फिर से बताता हूँ, अगर आपके पास लाइन का फ्रंट और टॉप व्यू दिया हुआ है, आपको ट्रू लेंथ का पता लगाना है, तो आप उसके फ्रंट व्यू को घुमाएं और एक्स वाई के पैरेलल करके देखें, कहाँ से, ऊपर से। फ्रंट व्यू को घुमा रहे हैं तो देखना कहाँ से है, ऊपर से, और फ्रंट व्यू को कितना घुमाना है, जब तक कि वो एक्स वाई के समानांतर या पैरेलल नहीं हो जाता, तो उसका टॉप व्यू में आपको क्या दिख जाएगा, उसका ट्रू लेंथ। अगर आप टॉप व्यू को घुमा रहे हैं, ये बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है ना, अगर आप टॉप व्यू को घुमा रहे हैं तो आपको उसका ट्रू लेंथ कहाँ दिख जाएगा, फ्रंट व्यू में दिख जाएगा, लेकिन टॉप व्यू को तब तक घुमाना है जब तक कि वो एक्स वाई के पैरेलल नहीं हो जाता। बिल्कुल इसी लॉजिक का मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इम्प्लीमेंटेशन करूंगा। भाई ये क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया है, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि बहुत कम समय लगेगा और बहुत फटाफट हम लोग सारे प्रश्न बना लेंगे। ये दो लॉजिक ही याद रखना है, ठीक है, या तो फ्रंट व्यू को घुमा के एक्स वाई के पैरल करो, टॉप व्यू में ट्रू लेंथ दिखेगा, या तो टॉप व्यू को घुमाओ और एक्स वाई के पैरल करो,
तो आपको फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ दिख जाएगा। अब मैं आपको यहां पे बिल्कुल इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं कि ये कैसे संभव है। तो देखिए, ये है लाइन का टॉप व्यू। इसको मैं घुमाऊंगा तो घुमाने के भी मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं ओ को फिक्स करूं और सी को रोटेट करूं, या फिर मैं सिक्स सी को फिक्स करूं और ओ को रोटेट करूं। तो मैंने यहां पे क्या किया है, ओ को फिक्स रखा है और सी को रोटेट किया है। इसको तब तक रोटेट करेंगे जब तक कि वो बिल्कुल एक्स वाई के समानांतर नहीं हो जाता है। तो ये एक्स वाई लाइन है, ये कुछ ऐसा होगा। तो देखिए, ये सी का नया पोजीशन आ गया, सी वन। दोस्तों ध्यान से देखेंगे, ये पुराना सी था तो ये पुराना सी डैश था फ्रंट व्यू, ठीक। अब सी खिसक के आ गया है सी वन, ठीक है। टॉप व्यू में बदलाव आया है तो फ्रंट व्यू में भी जाहिर सी बात है कोई बदलाव आएगा। तो जो सी था वो यहां पे सी डैश था, तो सी वन जो है वो तकरीबन यहां पे हमको प्राप्त होगा। तो देखिए कैसे हम इसको मिलेंगे, हमको कैसे ये लोकेट करना है। तो यहां से एक सीधी लाइन खींचनी है सी वन से, और यहां से एक सीधी लाइन हॉरिजॉन्टल, सी वन से वर्टिकल और सी डैश से हॉरिजॉन्टल। जहां पे भी दोनों के इंटरसेक्ट करेंगे वो नया लोकेशन मिल जाएगा। अब क्योंकि ये सी वन है तो यहां पे हमें लिखना होगा सी वन डैश। सी वन डैश को आप जोड़ दीजिए ओ वन डैश से, ठीक है। तो ये किसको दर्शाएगा, ये दर्शाएगा लाइन की ट्रू लेंथ को। अब ये वैल्यू कितने के बराबर आएगी, तो भाई ये आएगी 57 मिलीमीटर के बराबर, जो कि कहलाती है 5.7 सेंटीमीटर्स। अगर आप इसको स्केल के जरिए कन्वर्ट करेंगे तो ये कहलाएगा 5.7 मीटर्स। तो असल आंसर कितना है, 5.7 मीटर्स, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं, 5.7 मीटर्स, ठीक। अब इसको बनाने का एक और तरीका है, मैं थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूँ ये सब चीज़ों को। और यहाँ पे मैंने आपको जो उदाहरण दिया है, यहाँ पे हम लोगों ने टॉप व्यू को रोटेट किया। अब ज़रा चेक करते हैं, क्या फ्रंट व्यू को रोटेट करने पर ही भी हमको सेम रिजल्ट मिलता है। भाई लॉजिक के अनुसार या कॉन्सेप्ट के अनुसार तो यहां पर भी सेम रिजल्ट मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो इतना तो आप बना लेंगे फ्रंट और टॉप व्यू। इस बार हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू को रोटेट करने। फ्रंट व्यू को जब आपको रोटेट करना है, तब फिर से आपके पास दो विकल्प है। पहला ये कि ओ डैश को फिक्स करें और सी डैश को रोटेट करें, या फिर सी डैश को फिक्स करें और ओ डैश को रोटेट करें। मैंने यहाँ पे क्या किया है मुझे नहीं पता, जरा देखते हैं। ओके, तो देखें यहाँ पे मैंने सी डैश को फिक्स रखा है और ओ डैश को रोटेट किया है। अब ये ओ डैश रोटेट होके नया पोजीशन पे आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये नया उसका फ्रंट व्यू हो गया, इतना सा बस, यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल पैरेलल हो गया ये एक्स वाई के, एक्स और ये वाई, ठीक है। तो ये ओ डैश बन जाएगा नया पोजीशन में जाके ओ वन डैश। ये ओ डैश है, ये पुराना ओ, ये ओ वन डैश है, तो यहाँ पे हमको नया मिल जाएगा ओ वन। ओ वन को जैसे ही आप सी से जोड़ेंगे आपको मिल जाएगा ट्रू लेंथ। स्केल को रखिए बिल्कुल यहाँ पे, ओ वन और सी पे जमा लीजिए और नाप लीजिए। स्केल में आपको फिर से कितनी वैल्यू मिलेगी, 57 मिलीमीटर मिलेगी। अब 57 मिलीमीटर अगर आपको स्केल में मिल रहा है, मतलब ये असल में सेंटीमीटर में कितना के बराबर है, 5.7 सेंटीमीटर के। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, और आपने क्या माना था, हमने ये माना था कि भाई 1 मीटर बराबर है 1 सेंटीमीटर के। इस कन्वर्जन को अगर आप फॉलो करेंगे तो ये कितने के बराबर आएगा, 5.7 मीटर्स के। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट और रूफ में जो कोई भी एक कॉर्नर, दोनों के बीच में जो असल दूरी है ग्राफिकली ड्राइंग के जरिए, कितना पता चला है हमें, 5.7 मीटर्स। इस प्रकार से ये सारे प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हमको सॉल्व करने हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करके। फिर से मैं बता देता हूँ, ट्रू लेंथ पता लगाना है, या तो टॉप व्यू को रोटेट करो एक्स वाई के पैरेलल बनाओ, या फिर फ्रंट व्यू को रोटेट करो और एक्स वाई के पैरेलल बनाओ। दोनों ही परिस्थिति में आपको ट्रू लेंथ का पता चल जाएगा, बहुत ही आसान है ये। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये जरा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक रूम है 4.8 बाय 4.2 बाय 4.6, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, 4.6 नहीं है ये है 4.2 और ये है ऊंचाई 4.6, ठीक, सब मीटर्स में है। अगेन यहाँ पे भी हमको स्केल लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम कितना स्केल ले सकते हैं, 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ज़्यादा स्पेस नहीं होगा, इजीली आपका प्रॉब्लम ड्राइंग शीट में फिट हो जाएगा बहुत इजीली, कम स्पेस में। हमें पता लगाना है
डिटरमाइन ग्राफिकली द डिस्टेंस बिटवीन टॉप कॉर्नर। तो टॉप में कितने कॉर्नर्स हैं? एक, दो, तीन, चार। एंड बॉटम कॉर्नर कैसा? डायगनली अपोजिट टू इट। तो दोस्तों यहां पे देखें, अगर ये टॉप कॉर्नर है, ठीक है, तो इसका डायगनली अपोजिट कॉर्नर टॉप पे तो ये वाला है, लेकिन इसका डायगनली अपोजिट बॉटम में जो कॉर्नर है वो है ये वाला। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें असल दूरी का पता लगाना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, अगर आप इसके रूम के प्रोजेक्शन बना लेते हैं तो काम बड़ा ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। एक्स वाई लाइन खींच लीजिए सबसे पहले, ये तो हो गया लाइन। अच्छा, इसी लाइन की असल दूरी हमको बतानी है, तो आप त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके भी यहाँ पे बता सकते हैं। हालांकि ये मैथमेटिक्स की क्लास नहीं है, ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास है, तो हम ड्राइंग की सहायता से पता लगाएंगे कि असल दूरी ये दोनों बिंदुओं के बीच में कितनी है। तो चलिए देखते हैं, एक्स वाई लाइन, रूम का फ्रंट व्यू कितने बाय कितने का बनेगा? 4.8 बाय 4.6, ये 4.8 बाय 4.6, ड्राइंग शीट में सेंटीमीटर्स कुछ इस प्रकार से लिखा मैंने, 4.6 मीटर्स है, लेकिन आपको ड्रॉ कितने का करना है? 4.6 सेंटीमीटर्स की लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ठीक है, वो स्केल डाउन फिगर है। यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, टॉप व्यू ये है रेक्टेंगल टॉप व्यू का, तो बिल्कुल मैंने इसको चिपका के बनाया है। आप चाहें तो कुछ दूरी पर भी बना सकते हैं, बस इस बात का ख्याल रखें कि दोनों लाइंस के बीच में ही रहे, वो परफेक्ट अलाइनमेंट रहे। जब आप टॉप व्यू देखेंगे दोस्तों, तो आपको ये नजर आएगा ये कितने का है, 4.8 का, और आपको ये नजर आएगा ये कितने का है, 4.2 का। तो ये तो हो गया 4.8, और ये कितना हो गया, 4.2 हो गया। हमने बना लिया फ्रंट व्यू, हमने बना लिया टॉप व्यू। अब हम बनाते हैं इस कॉर्नर को। इस कॉर्नर से मुझे मतलब है और ये वाले कॉर्नर से मतलब है। तो देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं ए। तो ये ए कॉर्नर जो है, जब आप इसको सामने से देखेंगे आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये कॉर्नर यहां पे है, तो इसका नाम दे देंगे आप ए डैश। यही वाला कॉर्नर जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये रेक्टेंगल आपको दिखाई देगा, मतलब ये रेक्टेंगल। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल में सबसे पीछे की तरफ राइट हैंड साइड में यहां पे क्या मिलेगा, पॉइंट का टॉप व्यू। ठीक है, फिर से बना देता हूं मैं, ये है पॉइंट का टॉप व्यू ए। अब पॉइंट बी कैसे लोकेट हुआ है दोस्तों, ये देखते हैं। तो यहां पे है पॉइंट बी। अब आप सामने से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सबसे लेफ्ट में नीचे की तरफ क्या है, पॉइंट बी, सामने से मतलब फ्रंट व्यू, तो इसलिए लगाया है हमने बी डैश। और ये पॉइंट बी जो है ऊपर से जब आप देखेंगे तो ये स्क्वायर, ओके, ये स्क्वायर, स्क्वायर नहीं बोलना चाहिए, इसको रेक्टेंगल बोलना चाहिए, और सबसे सामने की तरफ यहाँ पे ऐसा लगेगा कि पॉइंट यहाँ पे, तो इधर ये कहलाएगा बी। बी को ए से जोड़ लीजिए। अब आपके पास ये ए बी लाइन जो है उसका फ्रंट व्यू है यहाँ पे। अब आप ये ए बी लाइन जो है उसका टॉप व्यू है, हमें पता लगाना है उसका ट्रू लेंथ। बड़ा ही आसान है, किसी को भी घुमा लीजिए फ्रंट या फिर टॉप व्यू को, उत्तर आपको मिल जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है। मैंने किसको रोटेट किया है जरा ये देखते हैं। ये देखिए, मैं इस बार टॉप व्यू को रोटेट करने वाला हूँ, बी को फिक्स करूंगा और ए को घुमाऊंगा, तब तक जब तक कि वो एक्स वाई के पैरल नहीं हो जाता। तो ये कुछ ऐसा होगा, नया नाम दे देते हैं यहाँ पे, ये कहलाएगा A1। अब ए यहाँ पे है तो उसका पुराना ए डैश, अब A1 यहाँ पे है तो तकरीबन A1 डैश नया वाला हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन और A1 से एक वर्टिकल लाइन, जहाँ पे भी इंटरसेक्शन है A1 डैश, उसको जोड़ लीजिए आप बी डैश से, तो आपको मिल जाएगा असल लंबाई ट्रू लेंथ। इसकी माप ले लीजिए आप यहाँ पे स्केल रख के, ये मेजरमेंट कर लीजिए, तो ये आएगा 78 मिलीमीटर। ठीक है, अब अगर ये 78 मिलीमीटर आ रहा है, मतलब सेंटीमीटर्स में इसका आकलन करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 7.8 सेंटीमीटर्स, और आपने माना था 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो ये मीटर्स में कितना आएगा, 7.8 मीटर्स। तो ये टॉप कॉर्नर और डायगनली ऑपोजिट बॉटम कॉर्नर के बीच में जो असल दूरी है उसका मान निकल के आ रहा है 7.8 मीटर्स। करने का एक और तरीका है, आप चाहें तो इस बार फ्रंट व्यू को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको जो सही लगे आप उसको इंप्लीमेंट करें, और मेरे पास जो आंसर निकल के आया है आप उससे मैच करके देखें। तो देखिए एक और तरीका देखते हैं। तो पहले तो मैं इसको यार रब कर लेता हूं, ये सब रब कर लेते हैं। ओके ठीक है, इतना तो आप कर ही लेंगे। अब हम फ्रंट व्यू को रोटेट करेंगे, ए डैश को फिक्स और बी डैश को रोटेट, B1 डैश, बी डैश के लिए बी, B1 डैश के लिए नया B1 यहां पे मिलेगा। B1 को A से जोड़ लीजिए, ये
ये ट्रू लेंथ मिल गया, इसको वापस से इसका मेजरमेंट कर लीजिए, वापस से आपको सेम वैल्यू मिलेगा 78 मिलीमीटर्स। तो ये पूरी कहानी फिर से दोहराई जाएगी, फिर से वही बात। अगर आपको ट्रू लेंथ का पता लगाना है तो फ्रंट या फिर टॉप व्यू को तब तक घुमाएं जब तक कि वो एक्स वाई के पैरेलल नहीं हो जाता। अगर टॉप व्यू को घुमाएंगे तो सामने से आपको ट्रू लेंथ दिखाई देगा, अगर फ्रंट व्यू को घुमाएंगे तो ऊपर से टॉप में आपको ट्रू लेंथ दिखाई दे देगा। तो दो प्रश्न हो गए, चलिए देखते हैं तीसरे प्रश्न में क्या है। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, देखते हैं। तो देखिए, एक पेड़ में भाई दो संतरे लगे हुए हैं, दोनों का जमीन से ऊंचाई जो है 1.8 मीटर और 3 मीटर है, बिल्कुल ठीक है, ओके। अब पेड़ कुछ इस प्रकार से सिचुएटेड है कि उसकी एक शाखा, उसका एक ब्रांच जो है, पेड़ जो है बाउंड्री के पास में है, एक शाखा जो है वो दीवार के बाहर की तरफ है, रोड साइड की तरफ है, और दूसरी शाखा जो है घर की तरफ है, ठीक है। एक ब्रांच अंदर की तरफ है, एक ब्रांच बाहर की तरफ है, और वॉल का हमको थिकनेस भी दे रखा है इसने। वॉल थिकनेस दिया हुआ है 0.3 मीटर। इसको मैं यहाँ पे ऐसा करके सर्कल कर लेता हूँ, ठीक, बट ऑन द ऑपोजिट साइड, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑरेंजेस मेजर्ड अलॉन्ग द ग्राउंड एंड पैरेलल टू द वॉल इज 2.7 मीटर्स। चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने इस बार जो स्केल लिया है वो 1 मीटर बराबर 2 सेंटीमीटर का है। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये सारे डायमेंशन जो हैं 1.2 मीटर, 2.1 मीटर, इसको आप 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं तो सबसे बड़ी डायमेंशन कौन सी है, 2.7। तो 2.7 सेंटीमीटर आपका मैक्सिमम डायमेंशन हो जाएगा, तो ड्राइंग बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो किसी प्रकार का एनालिसिस करने के टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से हम लोग स्केल को थोड़ा सा ज्यादा ले रहे हैं, या एनलार्जिंग स्केल करके हम लोग इसको बना रहे हैं, ठीक है। एनलार्जिंग स्केल भी नहीं है ये, बेसिकली ये है भी रिड्यूसिंग स्केल, हम लोगों ने ज्यादा रिड्यूस नहीं किया है। अगर आप 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर ले लेते तो कुछ ज्यादा ही रिडक्शन हो जाता, ड्राइंग बहुत छोटा हो जाता, तो कंपैरेटिवली उसके मुकाबले थोड़ी बड़ी सी ड्राइंग हमारी बन रही है। तो देखें, यहां पे मैंने सीधा क्या किया है, मैंने एक वॉल बना लिया है, ठीक है, और मैंने वॉल का फ्रंट व्यू और वॉल का टॉप व्यू बना लिया है, बहुत बढ़िया। तो एक संतरा वॉल के सामने की तरफ है और दूसरा संतरा वॉल के पीछे की तरफ है। अब आप मान लीजिए आपने एक ऐसा चश्मा पहन रखा है कि आप वॉल के आर पार देख सकते हैं, ठीक। तो आपको जो वॉल के सामने जो संतरा है वो तो आपको नजर आएगा, लेकिन वॉल के पीछे जो है वो भी अब आपको नजर आ जाएगा, ठीक। अब देखें, सबसे पहले एक संतरा जो है वो 1.8 मीटर की हाइट्स पे है, दूसरा संतरा 3 मीटर की हाइट पे है। देखें यहाँ पे, ये सिर्फ एक स्केच है ना, ऐसा आपको ओरिजिनल एग्जाम में बनाने की जरूरत भी नहीं है। थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए आपको ये सब करके दिखाया है, ये सब आपको नहीं करना है एग्जामिनेशन में, समय बचेगा आखिरी में तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1.8 मीटर तो असलियत में है, ड्राइंग शीट में कितना हो जाएगा, ये 3.6, और ये जो 3 मीटर दिया हुआ है ये ड्राइंग शीट में कितने के बराबर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर के। तो ये कुछ ऐसा होगा कहानी, एक संतरा सामने की तरफ नजर आएगा, कितने ऊंचाई पे, ये ऊंचाई है 1.8 मीटर, लिखा 1.8 मीटर है, लेकिन आपको ये जो लाइन खींचनी है ये कितने के बराबर खींचनी है, 3.6 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक। अब दोनों संतरों के बीच में अगर आप बिल्कुल सामने से देखें तो यहां पे कुछ एक और डेटा दिया हुआ है 2.7 मीटर्स, उसको पढ़ लीजिए सेंटेंस को, उसका उसका रेलेवेंस क्या है, क्या मतलब है, क्या कन्वे करना चाह रहा है, ये मैं बताता हूं। आप बिल्कुल दीवार के सामने खड़े हैं, आपको दोनों ऑरेंजेस नजर आ रहे हैं, लेट्स से ऑरेंज ए और ऑरेंज बी दोनों नजर आ रहा है आपको, तो दोनों के बीच में सामने से देखते हुए दोनों के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कितने के बराबर है, 2.7 मीटर। तो ये डेटा आपको दिया है, तो कह सकते हैं ऑरेंज ए को एक पॉइंट मानिए आप, उसका प्रोजेक्टर बना लीजिए, एक ए डैश बनेगा और ए बनेगा, वैसे ऑरेंज बी जो बनेगा कितने दूरी पे बनेगा, 2.7 मीटर्स की दूरी पे बनेगा, तो ड्रॉइंग शीट में ये कितने के बराबर हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 5.4 सेंटीमीटर्स के दूरी पे बनाना पड़ेगा। तो यहां से ये जो 2.7 मीटर मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ये ड्राइंग शीट में आपको लेना कितना है, डबल 5.4, 27 का डबल 54, ठीक है, 5.4 सेंटीमीटर्स। अब ये जो यहाँ पे ऑरेंज बी है ये कितना हाइट पे है, 3 मीटर, तो इसका डबल कर लीजिए स्केल के हिसाब से, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, लिखा 3 मीटर है बट है 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम लोगों ने ऐसा चश्मा पहना है जिससे कि हम वॉल के बिल्कुल आर पार देख सकते हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। अब ये डिस्टेंस कितना भी ले लीजिए आप, ठीक है,
मेरा आपसे ये सुझाव रहेगा कि इस डिस्टेंस को आप ले लीजिए 7 सेंटीमीटर्स या 8 सेंटीमीटर्स, तो सारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ओके, अब देखिए बिल्कुल इसी लाइन के अलोंग हमारे को क्या मिलेगा, ऑरेंज ए का फ्रंट व्यू मिलेगा, सॉरी टॉप व्यू मिलेगा, और बिल्कुल इसी लाइन के अलोंग ऑरेंज बी का मेरे को टॉप व्यू मिलेगा। ऑरेंज ए जो है वो सामने की तरफ है वॉल के, ऐसा आप मान लीजिए, ऑरेंज बी जो है वॉल के पीछे की तरफ है, और ये जो है ये है वॉल का थिकनेस। हमें प्रश्न में कितना दे रखा है, 0.3, तो यहां पे आपको कितने खींचने हैं, 0.6 सेंटीमीटर्स का। फिर से मैं बता रहा हूं, असल में वॉल थिकनेस 0.3 मीटर्स है, स्केल को अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0.6 सेंटीमीटर्स। तो ये 0.6 सेंटीमीटर्स, ये लाइन ऐसे ही खींच लीजिए, ये तो रफ है। बहुत बढ़िया, एक ऑरेंज सामने है तो कितना सामने है, 1.2 मीटर, तो यहां पे कितना, 1.2 मीटर, मतलब ड्राइंग शीट में कितना खींचना है उसका डबल, 2.4 सेंटीमीटर्स। लिखा 1.2 है लेकिन है कितना, 2.4 सेंटीमीटर्स। मैं बार बार इस बात पे स्ट्रेस दे रहा हूँ, जितने भी डायमेंशन आपको क्वेश्चन में दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, सब डबल हो जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने स्केल ही उस प्रकार से चुना है। ठीक, और ये जो है 2.1 मीटर, ठीक है, बट ऑन दी ऑपोजिट साइड, तो ये पीछे की तरफ होगा। तो बिल्कुल इसी लाइन के अलॉन्ग स्केल को बिल्कुल इस लाइन के अलॉन्ग जमा लें और पीछे चले जाएं, कितना, 2.1 मीटर्स, लेकिन ये ड्राइंग शीट में कितने का होगा, इसका डबल, मतलब 4.2 सेंटीमीटर्स का। बहुत आसान है। अब ऐसा मान लीजिए दोनों संतरे जो हैं एक धागे से बंधे हुए हैं, वो धागा सामने से और ऊपर से कुछ ऐसा नजर आएगा, ये बहुत बढ़िया, हमारे पास फ्रंट व्यू है धागा का और धागा का टॉप व्यू भी हमारे पास है, बस रोटेट करना है और खेलना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, मैंने पता नहीं किसको रोटेट किया है, देखते हैं, मैंने टॉप व्यू को रोटेट किया है और मैं फिक्स करने वाला हूं ए को, बी को रोटेट करूंगा तब तक जब तक कि वो इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल नहीं हो जाता। तो बी का नया पोजीशन यहाँ पे B1, ये पुराना बी का टॉप व्यू, पुराना बी का फ्रंट व्यू, नया बी का टॉप व्यू, तो नया बी का फ्रंट व्यू यहाँ पे कहीं मिलेगा, ये कुछ इस प्रकार से B1 डैश, B1 डैश को आप जोड़ लीजिए A डैश से, क्या मिला हमको, हमको मिल जाएगा दोनों संतरों के बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस, ट्रू लेंथ बिटवीन द टू ऑरेंजेस, दैट इज A एंड B, जो कि ड्राइंग में कितना आ रहा है भाई, ड्राइंग में आ रहा है ये 93 मिलीमीटर। अगर आपने ये स्केल लिया है तो आपका कितना आएगा, 93 मिलीमीटर, ठीक है, जो कि है 9.3 सेंटीमीटर्स। अब बिल्कुल इसका आधा कर देना है, ठीक है, अब उल्टा करना है हमको, कहाँ पहुंचना है, यहां से यहां पहुंचना है, तो हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, 4.65 मीटर्स। तो दोनों संतरों के बीच की असल दूरी कितनी है, 4.65 मीटर। ठीक है, चलिए, मैंने कोशिश किया है कि इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक में बना सकूं, देखते हैं आपको पसंद आया कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम भी काफी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। तो भाई इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, और सीधा मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। यहाँ पे एक वुडन प्लेटफॉर्म है, चारों कॉर्नर पे हुक लगे हैं सॉर्ट ऑफ, ठीक है, और वहां से चेन बंधा हुआ है और यहाँ पे एक बड़ा हुक लगा हुआ है, ठीक, तो इस प्रकार से ये सस्पेंडेड है, लटका हुआ है। हमें ये बताना है कि ये चेन की असल लंबाई कितनी है। बहुत ही आसान है, आप इस पूरे अरेंजमेंट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना लीजिए और रोटेशन प्रोटोकॉल, रोटेशन प्रोटोकॉल नहीं, रोटेशन पॉलिसी को अप्लाई कर लीजिए, देखिए ये कैसे होगा। ठीक, ये बन गया वुडन बोर्ड का टॉप व्यू, तो ये कितने का है, 3.5 मीटर, और ये कितने का है, 2 मीटर, तो ड्राइंग शीट में हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। बिल्कुल मैंने चिपका के बनाया है, यहाँ पे सामने से देखेंगे तो आपको ये ऐसा और ऐसा नजर आएगा, एक ट्राइंगल नजर आएगा बेसिकली आपको सामने से, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये जो हुक है ये आपको नजर आएगा कि ये यहाँ पे ऊपर से, तो आप चाहें तो ये डायगोनल ऐसा करके बना सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से ये ऊंचाई हमको कितनी लेनी है, यहाँ से ये ऊंचाई ये हमको लेनी है 5 मीटर के बराबर। ओके, बहुत अच्छे। अब ये चेन जो है और ये उसके पीछे जो ये वाला चेन है, ऐसा लगेगा कि आपको ये बिल्कुल एक लाइन में है, आपको ये वाला चेन नजर ही नहीं आएगा क्योंकि ये ओवरलैप हो जाएगा किसके थ्रू, इसके थ्रू, और ये पीछे वाला चेन आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि इसके जस्ट सामने कौन है, ये है, हम कहां से देख रहे हैं, सामने से, ओवरलैप हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ये वाला चेन और ये वाला चेन सामने से नजर आएगा, ये दोनों के दोनों चेन्स पीछे छुप जाएंगे या फिर ओवरलैप हो जाएंगे, एक्लिप्स हो जाएंगे, ओवरशैडो हो जाएंगे। ये बन गया टॉप व्यू,
सॉरी फ्रंट व्यू, अब नामकरण कर देते हैं। मान लीजिए हम इस कॉर्नर की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक यहाँ से, तो ये हो गया, इसका टॉप व्यू यहाँ पे मिल जाएगा और इसी पॉइंट का फ्रंट व्यू आपको यहाँ पे या इधर मिल जाएगा। फ्रंट में ये हुक है तो ये एच बोल लीजिए आप, इसका फ्रंट व्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा एच डैश, और इसी हुक का टॉप व्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा एच। हमको बताना है एच से लेके सी की असल दूरी कितनी है, तो ये बहुत ही सरल है। इसको बनाने के लिए आप क्या करिए, किसी को भी रोटेट कर दीजिए। तो ये फ्रंट व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया, मैंने किसको रोटेट किया जरा देखते हैं। अच्छा, मैं रोटेट करने वाला हूँ फ्रंट व्यू को, फ्रंट व्यू में मैं एच डैश को फिक्स करूंगा और सी डैश को तब तक रोटेट करूंगा जब तक कि वो बिल्कुल पैरेलल नहीं हो जाता किसके, एक्स वाई के। तो यहाँ पे नया पोजिशन सी वन डैश, पुराना सी डैश पुराना सी, नया सी वन डैश नया सी वन यहाँ पे, ठीक है, और सी वन लिख लेते हैं। सी वन को जैसे ही आप एच से जोड़ेंगे, ये है चेन की असल लंबाई जो कि कितनी निकल के आ रही है, 54 मिलीमीटर्स के बराबर निकल के आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। ये देखिए ट्रू लेंथ ऑफ ईच चेन कितना आएगा, 54 मिलीमीटर्स, जो कि 5.4 मीटर हो जाएगा कन्वर्जन के बाद, ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें एक और चीज हमसे कहा गया था कि भाई ये जो चेन है प्लेटफॉर्म के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं प्लेटफॉर्म के साथ कितना एंगल बनाएगा? इसका पता लगाने के लिए मैं बता रहा हूं, क्या तरीका क्या है उसका, आपको फॉलो करना है, ये मैं आपको बता देता हूं। अब आप क्या करिए कि आप टॉप व्यू को रोटेट करिए, ठीक है, इसको रोटेट कर रहा हूं, मान लीजिए ये सब अभी बना नहीं है, ये ऐसा टॉप व्यू को ऐसा करके रोटेट करिए, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, तो ये नया पोजिशन आ जाएगा सी वन और ये यहां जाएगा। तो देखिए ये पुराना सी का सी डैश, ये सी वन का हो जाएगा यहाँ पे सी वन डैश। इस सी वन को जब आप जोड़ेंगे ऐसा करके, ये जो लाइन खींचेगा ना, ये आपको वापस से सेम ट्रू लेंथ देगा, हमारा आंसर आ चुका है उसका। अब ये जो एंगल रहेगा, ये वो एंगल है जो कि चेन बना रहा है किसके साथ, वुडन प्लेटफॉर्म के साथ। मैं चाहता हूं आप इसको खुद से बनाएं, करके देखें, और नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जो भी एंगल का वैल्यू आ रहा है उसको नीचे पुटअप करें, ठीक है, फिर हम दोनों थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन करेंगे और पता लगाएंगे कि वाकई में आपने जो आंसर निकाला है वो सही है कि नहीं है। मैं उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पुटअप कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए, बट मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बनाएं, बनाने के बाद मुझे बताएं कि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों को घुमाने से आपको सेम ट्रू लेंथ मिल रहा है कि नहीं, और टॉप व्यू को जब हम रोटेट किए हैं आपको एंगल कितना मिल रहा है, तो आपके आंसर्स भी वेरीफाई हो जाएंगे। काफी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, चलिए एक और देखते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसको तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा बॉस। तो हमारे सामने फिर से एक रूम है 6 बाय 5 बाय 3.5, तो बॉस ये है 6 मीटर, ये है 5 मीटर, और ये है यहाँ पे किधर लिखूँ मैं, 3.5 मीटर्स हाइट। देखिए यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रैकेट है अलोंग द सेंटर ऑफ द लॉन्गर वॉल। दोस्तों यहाँ पे वॉल्स का सबसे पहले एनालिसिस कर लेते हैं, तो यहाँ पे भाई दो ही प्रकार के वॉल हो सकते हैं, आमने सामने, इधर और इधर, और एक सामने और एक पीछे, ठीक। तो लॉन्गर वॉल जो है वो कितने का है, 6 बाय 3.5 का, एक बार डायमेंशन देख लेते हैं, सब हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। और जो एक और वॉल है, दूसरा वॉल है, वो स्मॉलर वॉल है, वो क्यों है आपको डायमेंशन से समझ में आ जाएगा, वो है 5 बाय 3.5 का, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसको आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये एरिया जो है वो ज्यादा आएगा इसलिए ये लॉन्गर वॉल है, ये एरिया जो है वो कम आएगा इसलिए ये स्मॉलर वॉल है। ये नजर पांच, ये पांच है ना, ये 6 नहीं है, ऐसा लग रहा था कि वो 6 है, ठीक है। तो लॉन्गर वॉल पे हम लोग को वर्क करना है, लॉन्गर वॉल के बिल्कुल सेंटर के अलोंग क्या है, एक इलेक्ट्रिक ब्रैकेट फिट है। वो ब्रैकेट कैसे समझाऊं, सॉकेट होता है, ठीक है, सॉकेट के अंदर जाके हम क्या फिट करेंगे, बल्ब फिट करेंगे। तो ब्रैकेट जो है, जरा मैं फिर से पढ़ता हूं, सेंटर ऑफ द लॉन्गर वॉल, ये लॉन्गर वॉल है ये वाला, इसके केंद्र के अलोंग और 1 मीटर बिलो द सीलिंग, छज्जे से, सीलिंग से कितना नीचे है, 1 मीटर, ठीक। तो इसको तो मुझे बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए ये 3.5 है, तो तकरीबन ये, इसको रेड कलर यूज कर लें तो बेहतर होगा, ये जो है 1 मीटर है, छज्जे से 1 मीटर नीचे यहाँ पे एक ब्रैकेट है, ठीक है। जब मैं यहाँ पे इस सॉकेट में बल्ब को फिट करता हूँ, तो बल्ब का एक सॉर्ट ऑफ एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप मान लीजिए, वो कितने दूरी पर आएगा, 0.3 मीटर की दूरी पर आएगा। यहाँ पे कुछ
देखते हैं, बनाने का कोशिश करते हैं। ये जो है यहाँ पे बल्ब फिट होगा, तो बल्ब को बॉस नाम दे देते हैं बी। और दोस्तों ये जो दूरी है ना दीवार से कितना सामने है ये हमको दे रखा है, थोड़ा उतने अच्छे से ड्राइंग बन नहीं पा रहा है, फिर भी समझने का प्रयास करें। 0.3 मीटर। तो बल्ब लगाने के बाद बल्ब का अपना खुद का जो केंद्र है वो दीवार से कितने दूरी पे है, 0.3 मीटर की दूरी पे है। बहुत अच्छे। अब इस बल्ब का स्विच का लोकेशन हमको दे रखा है, अब जरा ये देखते हैं कि वो स्विच कहाँ पे है। तो देखिए, द स्विच फॉर द लाइट इज ऑन एन एडजेसेंट वॉल। एडजेसेंट मतलब बाजू वाला। तो अगर इस वॉल की बात, मतलब मेरे सामने जो वॉल है उसके एडजेसेंट ये और ये वॉल है, लेफ्ट और राइट में, ठीक है। तो ये वाला वॉल को ले लेते हैं एडजेसेंट 1.5 मीटर ऊपर। तो कितना ऊपर है, 1.5 मीटर ऊपर है, ठीक है। तो दोस्तों इस लाइन के अलोंग कहीं ना कहीं स्विच है, एंड 1 मीटर फ्रॉम द अदर लॉन्गर वॉल। इसके सापेक्ष अदर लॉन्गर वॉल कौन सा है, ये वाला है। यहां से कितने दूरी पर है, देखो जमीन से कितने ऊंचाई पर है, वो तो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, लेकिन 1 मीटर फ्रॉम द अदर लॉन्गर वॉल यहां से कितने दूरी पर है, ये जो है ये है 1 मीटर की। यहां पे क्या है, स्विच है। अब हमको बताना है कि भाई बल्ब से स्विच के बीच में असल दूरी कितनी है। तो चलिए इसको खींच लेते हैं, इसको काला पेन से मैं खींच लेता हूं। ये दूरी कितनी है बॉस, ये हमको बताना है प्रक्षेप के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके, प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके। तो सबसे पहले भाई वही काम, एक्स वाई लाइन खींच लेते हैं और रूम का फ्रंट और टॉप व्यू बना लेते हैं। सामने से जब आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा 6, आपको नजर आएगा 3.5, ये डब्बा बना लीजिए सामने से, ठीक। स्केल अगेन यहाँ पे कितना रहेगा, 1 मीटर बराबर ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर। बड़ा ही आसान है, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का ड्रॉइंग शीट में, ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर का ड्रॉइंग शीट में। लेकिन लिखना क्या है वो है ये, ठीक। ऊपर से देखेंगे तो आपको ये दूरी कितनी है, 5। तो ये तो नजर आएगी 5 की, और ये जाहिर सी बात है ये तो 6 है। हो गया काम, काम तमाम। रूम का फ्रंट व्यू बन गया, रूम का टॉप व्यू बन गया। अब हमको बल्ब का फ्रंट व्यू बनाना है, बल्ब का टॉप व्यू बनाना है। तो देखिए ये कैसे होगा, देखिए सामने से जब आप देखेंगे तो आपको ये बल्ब एक बिंदु की तरह नजर आएगा, ऐसा प्रतीत होगा कि ये बिंदु कितने नीचे है, 1 मीटर नीचे। तो ड्राइंग शीट में यहां से आप कितना नीचे आएंगे, बिल्कुल इस लाइन का केंद्र बिंदु लेना है आपको, 6 का केंद्र बिंदु आएगा 3 पे, बिल्कुल आपको 1 मीटर नीचे, मतलब 1 सेंटीमीटर नीचे आना है और वहां पे अंकित कर देना है बी डैश। बहुत ही आसान है, ठीक है। अब इसी बल्ब का बॉस टॉप व्यू कैसे बना सकते हैं, ये जरा सोचने वाली बात है। जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको ये दूरी नजर आएगी, ठीक है। फिर से बनाने का कोशिश करता हूं मैं, ये दूरी नजर आएगी, ये दूरी कितनी है, 0.3। तो ये वाला जो लाइन है ना ऊपर से देखने पर आपको नजर आएगा यहां पे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आगे मैं और एक्सटेंड करता हूं, ये कंस्ट्रक्शन लाइन है मान के चलिए, या बिना इस लाइन को खींचे आप सिर्फ स्केल को यहां पे रखिए और एक बिंदु यहां पे अंकित करिए, यहां से कितना सामने आना है, कितना सामने आना है, 0.3 मीटर, मतलब ड्रॉइंग शीट में हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब 3 मिलीमीटर आपको सामने आना है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। बहुत अच्छे, ठीक। तो ये हो गया बल्ब का टॉप व्यू, ये हो गया बल्ब का फ्रंट व्यू। अब ये स्विच का फ्रंट व्यू बनाना है, तो सामने से देखेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि ये यहीं पर है, मतलब कितने ऊपर है, कितने ऊपर है, 1.5 मीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ 1.5 मीटर की ऊंचाई पर ड्राइंग शीट में, 1.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे स्विच का फ्रंट व्यू, इसलिए डैश लगाया है। और स्विच का टॉप व्यू बनेगा यहां से 1 मीटर पीछे से, यहां से 1 मीटर, यहां से 1 मीटर, यहां से 1 मीटर। समझ में आया, बल्ब का फ्रंट व्यू बन गया, टॉप व्यू बन गया, स्विच का भी फ्रंट और टॉप व्यू बन गया, दोनों भाई बल्ब और स्विच को एक सीधी लाइन से जोड़ दीजिए। मतलब आपको ये जो काली लाइन मैंने खींची है सामने से कुछ ऐसी और ऊपर से कुछ ऐसी नजर आएगी। बहुत अच्छे, काम बहुत ही आसान हो गया है, फ्रंट और टॉप व्यू बन गया है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब आपको क्या करना है, किसी एक को भी पकड़ के रोटेट कर दीजिए और खेल खत्म करिए। इस प्रक्रिया को 2 बार करने की जरूरत नहीं है। परीक्षा में यदि ऐसा प्रश्न आता है तो आप किसी भी एक व्यू को पकड़िए, फ्रंट या फिर टॉप, रोटेट करके उसका ट्रू लेंथ पता लगा लीजिए। देखिए मैंने इसमें किसको रोटेट किया है। तो मैंने यहां पे रोटेट किया है टॉप व्यू को, जिसमें कि मैंने एस को फिक्स रखा है और ये बी को रोटेट किया है। तो नया पोजीशन आ गया B1, बी बी डैश। तो B1 यहां पे कहीं आएगा B1 डैश, नया
जिसको कि जोड़ने पर एस डैश से हमको प्राप्त होगा क्रू लेंथ, जो कि कितना आ रहा है, आ रहा है 48 मिलीमीटर। ठीक है, इसका वो कन्वर्ट कर दीजिए, 4.8 ये हो जाएगा, 4.8 सेंटीमीटर, जो कि कन्वर्ट करने पे 4.8 मीटर्स। तो ये बल्ब और स्विच प्रॉब्लम भी काफ़ी टिपिकल है, कई लोग इसको नहीं बना पाते हैं मेरे ख्याल में। अब आप इसका एनिमेशन देख चुके हैं, इसको आप बिल्कुल बनाएं। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा सब आप सब के सब इस क्वेश्चन को बिल्कुल अपने ड्राइंग शीट में या फिर ड्राइंग कॉपी में बिल्कुल बना के देखें और मेरे साथ मैच करके देखें कि आंसर वाकई में सेम इसके आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें लाइन जो है क्वाड्रेंट चेंज कर रहा है, तो देखते हैं इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक आसान तरीका है इसको बनाने का, ठीक है, चलिए देखते हैं। लाइन पी क्यू, इसमें कुछ सीधा मैंने ड्राइंग बनाया है। ओके, लाइन का नाम है पी क्यू, जिसकी असल लंबाई, चलो ट्रू लाइन का ट्रू लेंथ जो हमको दिया है वो है 100 मिलीमीटर। ओके, एच पी से 30 डिग्री और वी पी से 45 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पे उसको लिख देते हैं, एच पी से बना रहा है 30 डिग्री, तो एच पी से जो एंगल बनता है थीटा होता है, वी पी से जो एंगल बनता है फाई होता है, वो है 45। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि प्रश्न बड़ा ही सरल है, ठीक है। अब यहाँ से कॉम्प्लिकेशंस चालू होते हैं, लाइन का जो मिड पॉइंट है वो कहाँ पे है, वीपी में है, मिड पॉइंट है ना, तो एक पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, वीपी में, आप ऐसा सोचें, ठीक है। तो मिड पॉइंट का कुछ नामकरण कर देते हैं, क्या हो गया यार इस पेन को, मिड पॉइंट का नामकरण कर देते हैं कैपिटल एम, तो उसका फ्रंट व्यू बन जाएगा एम डैश और उसका टॉप व्यू बन जाएगा एम, बहुत अच्छे। कहाँ पे है ये, वीपी में है, कोई अगर बिंदु वीपी में है तो उसका दूरी वीपी से कितना होगा, शून्य, सोच के देखें, यदि कोई बिंदु वीपी में है तो उसका वीपी से दूरी कितना हो जाएगा, शून्य। तो आप कह सकते हैं डिस्टेंस डी फॉर पॉइंट एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। और पॉइंट एम का ऊंचाई हॉरिजॉन्टल प्लेन से ये भी हमें दे रखा है कितना, 20 मिलीमीटर, तो एच एम बराबर कितना हो जाएगा, 20 mm। जितने डेटाज दिए हुए हैं सबको मैंने लिख दिया, ठीक। हमें अब यहां से परेशानी होगी भाई, देखिए ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, मतलब लाइन के फ्रंट और टॉप व्यू हमें बनाने हैं। इफ इट्स एंड पी इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यदि उसका पॉइंट पी जो है, सिरा पी जो है वो कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में। पॉइंट पी कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में तो डी ऊपर और एच नीचे, डी ऊपर है तो टॉप व्यू ऊपर आएगा और फ्रंट व्यू नीचे आएगा, मतलब डैश वाला नीचे और बिना डैश वाला ऊपर। साथ में पॉइंट क्यू के बारे में भी हमें कुछ बोला हुआ है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एच ऊपर और डी नीचे, मतलब फ्रंट व्यू ऊपर और टॉप व्यू नीचे, मतलब डैश ऊपर और बिना डैश नीचे, खत्म भाई। जितना पॉसिबल हुआ मैंने डेटा लिख दिया, लॉजिक भी लिख दिया, अब इसको बनाना कैसे है। तो इसे हम बनाएंगे हाफ लाइन पॉलिसी से और आप देखेंगे कि कितने आसानी से ये बन जाएगा। आप ये मान के चलिए कि लाइन की असल लंबाई पी क्यू नहीं है, लाइन की असल लंबाई है एम क्यू। ऐसा क्यों, क्योंकि पॉइंट क्यू जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और मिड पॉइंट एम जो है वो वर्टिकल प्लेन में है, तो आप उसको कह सकते हैं कि, और ऊपर में है तो आप उसको कह सकते हैं कि वो भी किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो लाइन जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है उसके प्रक्षेप बनाना बड़ा ही आसान है, ठीक है, प्रोजेक्शन बनाना बहुत ही आसान है। देखें कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं हाफ लाइन पॉलिसी से। तो लाइन की असल लंबाई 100 नहीं है, आप ये मान के चलिए वो कितने का है, 50 का है। तो आप P से Q लेके नहीं चल रहे हैं, आप कहां से उसका सेंटर मिड पॉइंट M से लेके Q लेके चल रहे हैं, ठीक। सबसे पहले तो जो आप A डैश और A लोकेट करते थे पहले लाइन में, अब क्या करना है आपको, M डैश और M को लोकेट करना है। तो यहां पे हो गया M, ये हो गया M डैश, ठीक है, क्योंकि देखिए H के साथ डैश लगता है, डैश लगा, ये एच है ना, मैं डायमेंशन को अंदर की तरफ लिखा हूं, उसका एक कारण है, आप समझेंगे। लोकस लाइन खींच लेते हैं, अब ट्रू लेंथ कितना है, 100 नहीं है, मैं आधा लेके चल रहा हूँ, वो कितना है 50, तो 50 का खींचूंगा यहाँ पे थीटा, यहाँ पे भी 50 का खींचूंगा यहाँ पे फाई, कुछ ऐसा, और यहाँ पे फाई एंगल जो कि है 45। अब लोकस लाइन बना लेते हैं, लोकस ऑफ क्यू इन फ्रंट व्यू, लोकस ऑफ क्यू इन टॉप व्यू, इसको नीचे लेके आए, रोटेट करें, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा वो क्या लाएगा, टॉप व्यू, इसको ऊपर लेके जाएं, ठीक है, रोटेट करें, जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा वो कहलाएगा फ्रंट व्यू। कितना आसान है,
इस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन देखेंगे अगर एंडी भट्ट की पुस्तक में, तो उसने एक अलग पॉलिसी फॉलो किया है, और अगर मैं आप उसको एक्सप्लेन मैं अगर आपको उस तरीके को एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये काफ़ी हद तक एक आसान तरीका है मिड पॉइंट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है, हाफ ट्रूलन थ्योरी कह सकते हैं आप इसको। तो आपके पास आधा फ्रंट व्यू रेडी है, आधा टॉप व्यू रेडी है, तो प्रश्न बहुत ही आसान है। आधा फ्रंट व्यू रेडी है तो इसको और आगे एक्सटेंड कर लीजिए, स्केल को बिल्कुल यहाँ पे जमा लीजिए और आगे खींच दीजिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये स्केल को यहाँ जमाए और इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए रैंडमली कितना भी, ठीक है, सोचिए मत। फिर स्केल को आप यहाँ पे जमा लीजिए एम और क्यू में, और पीछे की तरफ या ऊपर की तरफ खींच दीजिए रैंडमली कितना भी। अब जितना एम डैश से क्यू डैश होगा उतना ही एम डैश से यहाँ पे कहीं क्या मिलेगा आपको, पी डैश होगा। तो एक राउंडर का एक सिरा यहाँ पे, दूसरा सिरा यहाँ पे, राउंडर को घुमा के यहाँ पे आर्क लगा लीजिए, ये मिल गया आपको पी डैश। तो क्यू डैश, एम डैश और पी डैश, उसी प्रकार से यहाँ क्यू है, यहाँ पे एम है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, पी मिलेगा। एम राउंडर का एक सिरा रखें एम पे, दूसरा सिरा रखें क्यू पे, घुमा के यहाँ पे एक आर्क लगाएं, आपको ये जो पॉइंट मिला है ये है पी। देखेंगे बिल्कुल पी और पी डैश सीधे में मिलेंगे, परफेक्ट अलाइनमेंट है। इस प्रकार से आप एक ऐसे लाइन का प्रोजेक्शन आपने जस्ट अभी बनाया है, जो कि जिसका कि एक एंड थर्ड क्वाड्रेंट में है और दूसरा एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। दैट्स इट। ये मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ इसको। हो गया फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, इसका फ्रंट व्यू ऊपर है, टॉप व्यू नीचे है। देखिए पॉइंट क्यू का फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे, और पॉइंट पी का टॉप व्यू ऊपर है, बिना डैश वाला ऊपर है, ठीक है, और फ्रंट व्यू नीचे है, बिल्कुल वेरीफाई हो गया ये। हाँ, वीडियो काफ़ी लंबा खींच गया है, आधे घंटे से ऊपर का हो गया। तो चलिए ये थे आज के सारे क्वेश्चंस एप्लीकेशन ऑफ लाइंस पर आधारित। अगला वीडियो जो होगा पार्ट 3, वो होगा ट्रेसेस ऑफ लाइंस पर बेस्ड। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।